ओडिशा में बीजेपी और बीजेडी के बीच गठबंधन तय हो गया है, ये जानकारी मिल रही है। बीजेपी बीजेडी लोकसभा और विधानसभा चुनाव साथ में लड़ेंगे, सूत्रों के हवाले से बड़ी और अहम खबर। आज बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक में तय हो जाएगी रूपरेखा कि किस तरह से होगा गठबंधन। एक हफ्ते पहले बीजेपी और बीजेडी के बीच हो चुकी है बातचीत। आज बीजेपी की कोर कमेटी में आखिरी रणनीति भी बन जाएगी कि किस तरह से बीजेपी और बीजेडी के बीच एक गठबंधन होने वाला है। ओडिशा में ये अहम गठबंधन हो रहा है बीजेपी और बीजेडी के बीच, बीजू जनता दल और बीजेपी के बीच लोकसभा और विधानसभा के लिए ये गठबंधन होगा। इससे पहले बीजेडी की तरफ से अश्विनी वैष्णव को राज्यसभा भेजने के लिए समर्थन दिया गया था, तभी से अटकलें लगाई जा रही थी कि क्या साथ आ सकते हैं। और अब सूत्रों के हवाले से खबर यह मिल रही है कि बीजेपी और बीजेडी के बीच गठबंधन तय हो गया है। लगभग आज जो बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक होगी उसमें आखिरी रणनीति भी बना ली जाएगी, रूपरेखा तय कर ली जाएगी कि किस तरह से गठबंधन आगे बढ़ेगा। विधानसभा और लोकसभा के लिए दोनों पार्टियों के बीच हो रहा है ये गठबंधन। बीजेपी कोर कमेटी की बैठक में तय हो जाएगी रूपरेखा। आज बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक है जिसमें तमाम जो गठबंधन के दल हैं उनके साथ किस तरह से सीट शेयरिंग फॉर्मूला तय होगा उस पर चर्चा होनी है। इसी बैठक में बीजेडी के साथ किस तरह से लोकसभा और विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा और किस तरह का गठबंधन हो सकता है, क्या सीटें एक दूसरे को दी जानी है, वो रूपरेखा भी तय कर ली जाएगी। जेपी नड्डा अध्यक्षता करने वाले हैं बीजेपी की इस कोर कमेटी की बैठक की। बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक में अगली सूची पर मंथन होना है जो लोकसभा चुनाव के लिए सामने आनी है, लेकिन एक हफ्ते पहले ही बीजेपी और बीजू जनता दल के बीच गठबंधन की रूपरेखा तय कर ली गई थी, ये जानकारी मिल रही है। विधानसभा और लोकसभा दोनों चुनाव साथ में लड़ेंगे, ये अपने आप में बड़ी खबर है। गठबंधन का औपचारिक ऐलान जल्द हो सकता है, ये जानकारी भी मिल रही है सूत्रों के हवाले से। बीजेपी और बीजेडी के बीच लोकसभा चुनाव को लेकर गठबंधन होगा, लेकिन साथ ही जानकारी ये भी कि विधानसभा चुनाव भी साथ में लड़ सकते हैं।